आजकल इस मुगान के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक मैंने आपको 80 प्लस क्वेश्चंस का आंसर दिया था। आज मैं सोच रहा हूँ सेंचुरी मार ली जाए, बल्कि डबल सेंचुरी मार ली जाए, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ 200 प्लस क्वेश्चंस का आंसर। और जिनका भी मैं क्वेश्चन लूंगा उनका नाम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुज भाई मेरा बजट है 6 से 7 हज़ार तक, माई नीड अच्छी डिस्प्ले और अच्छी परफॉर्मेंस, कौन सा फ़ोन लूँ? देखो, 6-7 हज़ार में कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जिसमें आपको अच्छा डिस्प्ले और अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए, क्योंकि जो भी फ़ोन मिल रहे हैं आपको इस प्राइस पे वो मिल रहे हैं 2 GB रैम के साथ, जिनको यूज़ करने का आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा सा वेट कर लो, एक सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट पे बहुत ही जल्दी, आपको जो अच्छे अच्छे फ़ोन हैं 3 GB रैम वाले वो आपको मिल जाएंगे 7-8 हज़ार की रेंज में। या आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के ले लो Realme 3, वो बेटर ऑप्शन है 9000 में। भाई क्या Redmi K20 Pro का कैमरा K20 और Note 7 Pro से भी अच्छा होगा? देखो, ये ऑन पेपर देखकर जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना टेस्ट किए कहना बहुत मुश्किल है किसका कैमरा अच्छा होगा इन दोनों में से। और आपने पूछा है कि K20 में सेंसर है सोनी IMX 582, ठीक है, और Note 7 Pro में है 586, तो Note 7 Pro की कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कैमरा क्वालिटी के लिए। थोड़ा सा वेट कर लो, ये फ़ोन मेरे हाथ में आने दो, फिर मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। आपको क्या लगता है, Xiaomi और Realme के इन डिस्प्ले कैमरा फ़ोन 2019 के एंड तक लॉन्च होंगे या 2020 के मिड तक? देखो, जहाँ तक मुझे लगता है Xiaomi और Realme की तरफ से आपको इंडिया में ऐसा कुछ भी फिलहाल अभी 2019 में देखने को नहीं मिलने वाला। भाई साहब, ये मोबाइल फटने की क्या सच्चाई है जो आए दिन फेसबुक पे आते रहते हैं? देखो, आधी तो फेक न्यूज़ होती हैं, जो एक ही मोबाइल फटता है उसको बार बार अलग अलग नाम से दिखा दिया जाता है। सर, 15 हज़ार का बजट है, Redmi Note 7 Pro ले लूँ या Realme X का वेट कर लूँ? 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा बजट का जुगाड़ कर लूँगा। तो मुझे लगता है आपको वेट ही करना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा Realme X भी और Redmi K20 भी। पोको F1 18 हज़ार में Realme और Redmi Note 7 Pro से अच्छा है क्या? देखो, अगर आप कंपेयर करते हो Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro से तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा Poco F1, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो Realme X और Redmi K20 से तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उन दोनों में से कोई स्मार्टफोन Poco F1 की जगह पे। When we will get Pi on Realme 2 Pro? देखो, एक बार तो अपडेट रोल आउट हो चुका था, काफ़ी बग्स आ रहे थे, तो अपडेट वापस रोल बैक कर लिया गया है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, दोबारा से अपडेट रोल आउट किया जाएगा Realme 2 Pro के लिए। Redmi Note 5 में अपडेट कब आएगा? इसके लिए भी कुछ टाइम पहले रोल आउट हो गया था अपडेट, मैंने न्यूज़ में बताया भी था आपको। अगर आपको अभी तक नहीं मिला थोड़ा सा आप वेट कर लो, नहीं तो आप मैन्युअली भी डाउनलोड कर सकते हो। हु इज़ द बेस्ट इन Realme 3 वर्सेस Redmi 7A वर्सेस Acer Zenfone Lite L1 वर्सेस Realme C2? इन सब में से मैं आपको एक ही फ़ोन रिकमेंड कर सकता हूँ, Realme 3, जो कि इन सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है। बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 25,000 की वीडियो बनाएं प्लीज़, और उनके प्रोज एंड कॉन्स भी एक्सप्लेन कीजिए। देखो, हमारी लैपटॉप की वीडियो ऑलरेडी रेडी है, बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूँगा। सर, मुझे फ़ोन लेना है 25,000 की रेंज में, आई वेट फॉर K20 Pro और बाय टिल जून एंड। आपको वेट करना चाहिए K20 Pro का, बहुत ही जल्दी ये फ़ोन आने वाला है। ये फ़ोन मैं कहूँगा 25,000 की रेंज में बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन रहेगा, फ्लैगशिप किलर आप इसको बोल सकते हो, रियल फ्लैगशिप किलर। भाई मेरा क्वेश्चन है, सैमसंग GM1 सेंसर, सोनी IMX 582 वर्सेस सोनी IMX 586, इन सब में किस चीज़ का डिफरेंस है? देखो, इन सब में से अगर मैं आपको बताऊँ बेस्ट सेंसर कौन सा है तो वो है सोनी IMX 586, इन सब में से सबसे बेस्ट सेंसर है। भाई क्या Redmi K20 Pro के अलावा Redmi K20 में भी फैशन लुक आएगा? बिल्कुल आएगा। गिज़्मो भाई, Realme X कब लॉन्च होगा? जुलाई में वो आपको देखने को मिलेगा। Poco F2 क्या इन दिनों में पॉपअप कैमरा आने वाला है? Poco F2 की जगह पे आपको मिलेगा Redmi K20 और K20 Pro, तो उसका आप वेट कर लीजिए। हाँ, उसमें पॉपअप कैमरा आपको मिलता है। भाई मैंने Redmi Note 7S परचेज़ किया है, 3 GB 32 GB वाला, कोई गलती तो नहीं की? बिल्कुल कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा फ़ोन है वो 11,000 की रेंज में। और आपने पूछा है, मैं अपने फ़ोन में पबजी खेलता हूँ 10 मिनट तक तो ठीक चलता है, उसके बाद लैग करने लगता है, इतना लैग करता है कि मैं पबजी खेल ही नहीं पाता। देखो, ऐसी कोई दिक्कत मेरे डिवाइस पर तो नहीं आई है, आप एक बार फ़ोन को अच्छे से रीसेट करो फिर आप ट्राई करो, क्या फिर भी वो दिक्कत आ रही है आपको? मैं Redmi Note 7 लूँ या फिर Note 7S, माई प्रायोरिटी इज़ बेस्ट रियर कैमरा। अगर आपकी प्रायोरिटी रियर कैमरा है तो आपको सोचना ही नहीं है, Note 7S बेटर ऑप्शन है Note 7 के कंपैरिजन में। भाई जी, ये GCam क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं और ये कौन कौन से फ़ोन में चलेगा, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। बिल्कुल, मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए इसके ऊपर। हेलो सर, कुछ दिन पहले Mi 9T के बारे में कुछ रिपोर्ट आई थी, उसका क्या चक्कर है? एंड बेस्ट फ़ोन अंडर 25,000।
देखो जो मी 9T है वो रेडमी के 20 प्रो ही है, रेडमी के 20 प्रो को रीब्रांड करके लॉन्च किया गया मी 9T के नाम से, तो कोई इसका और एक्स्ट्रा चक्कर नहीं है। और बेस्ट फोन अंडर 25,000 रेडमी के 20 प्रो। हाय ब्रो, मैं वन प्लस 7 लेने की सोच रहा हूँ, मैं लूँ या रेडमी के 20 प्रो का वेट करूँ, कौन सा वर्थ रहेगा ओवरऑल देखते हो? देखो मैं आपको कहूँगा ये दोनों ही फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है अपनी अपनी जगह पे। वन प्लस 7 का भी प्राइस काफ़ी अच्छा है, लेकिन रेडमी के 20 प्रो का आपको वेट भी करना चाहिए क्योंकि उसमें आपको मिलता है फुल व्यू डिस्प्ले, उसका आप एक बार वेट कर लो, फिर आप डिसाइड करना कौन सा फोन आपको लेना है इन दोनों में से। भाई मेरा क्वेश्चन है कि रेडमी नोट 7 प्रो खरीदूँ या फिर रियलमी एक्स का वेट करूँ? वेट कर लो, अब तो थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा आपको। सर, वैन विल ओप्पो K3 एंड रेडमी K20 लॉन्च इन इंडिया एंड इसकी प्राइसिंग क्या होगी? जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो 18,000 की रेंज में ये आपको देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट मंथ आपको ये इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। रेडमी K20 का प्राइस एंड लॉन्च डेट क्या है? जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया, नेक्स्ट मंथ तक आप वेट कर लो और आपको ये 18,000 की रेंज में मिल जाएगा। नोट 7 प्रो या सैमसंग M40? इसका आंसर आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा, एक बार फोन लॉन्च होने दो सैमसंग M40, उसकी प्राइसिंग हम देख लेते हैं क्या होगी। कुछ बातें उसमें अच्छी रहेंगी और कुछ बातें इसमें अच्छी रहेंगी, मैं कंपैरिजन लाऊंगा आपके लिए। रैपिड फायर क्वेश्चंस, Mi 9T और Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9 और Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro, Mi 9T और Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9 और Redmi K20 Pro, Mi 9 एंड Mi A2 और Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi और Realme, दोनों ब्रांड काफ़ी अच्छे हैं, Redmi 7 और Realme 2, Redmi 7, Snapdragon 730 और P90, दोनों पावरफुल हैं तो कोई एक चूज़ करना बहुत मुश्किल है। OnePlus 7 Pro वर्जिस Oppo Reno 10X Zoom, OnePlus 7 Pro बिना किसी डाउट के। गिज़्मोगन, आपके आज तक के गिवअवे में किसी को प्राइस मिला है क्या? बिल्कुल मिला है, काफ़ी लोगों को मिल चुका है प्राइस। 5G फ़ोन इंडिया में कब तक आएंगे? 5G अंडर 20,000, काफ़ी वेट करना पड़ेगा आपको इसके लिए अभी, 2020 के एंड से पहले तो बहुत ही मुश्किल है। भाई सैमसंग A50 या फिर रियलमी 3 प्रो? देखो दोनों ही का फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, कुछ बातें उसकी अच्छी हैं और कुछ बातें इसकी अच्छी हैं, बाकी आपको देखना होगा आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो आपके लिए बेस्ट है इनमें से रियलमी 3 प्रो, रियलमी 3 प्रो का कैमरा ज़्यादा अच्छा है सैमसंग A50 के कंपैरिजन में। और अगर गेमिंग के लिए आपको फ़ोन लेना है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा रियलमी 3 प्रो। आई हैव परचेज साउंड स्पीकर, सो विच वन आई परचेज, JBL और पेट्रोन एज कम्पेयर साउंड एंड बैटरी परफॉर्मेंस? देखो देखना होगा आप कौन सा प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो इनका, बाकी JBL काफ़ी अच्छा ब्रांड है और पेट्रोन भी आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मेरी बहुत ही जल्दी आपको एक वीडियो भी मिलने वाली है, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप सबके लिए। सबसे सस्ता पॉपअप सेल्फी वाला मोबाइल कौन सा है? देखो फिलहाल तो चाइना में आपको मिल रहा है Realme X, इंडिया में भी वो फ़ोन आ जाएगा तो वही मुझे लगता है सबसे सस्ता रहेगा पॉपअप कैमरा वाला स्मार्टफोन, Redmi K20 और Realme X। LG V30 Plus स्टिल वर्थ इन 2019 अंडर 25,000? देखो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन काफ़ी अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी उसकी ज़बरदस्त है, कैमरा भी उसका काफ़ी अच्छा है। Acer Zenfone Max Prime 2 लूँ या फिर Realme 3? Zenfone Max Prime 2 मैं आपको रिकमेंड करूँगा। Realme X है MediaTek Helio P90 और Snapdragon 730, जहाँ तक मुझे लग रहा है 730 आपको इसमें मिलेगा, MediaTek इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। सर Realme 3 Pro में ऐसा क्या है कि हम उसे Redmi Note 7 Pro के बदले रिप्लेस करें? फ्रंट कैमरा। भाई Redmi K20 वर्सेस Realme X दोनों कितने तक आ सकते हैं? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया 18,000 की रेंज में आपको मिलेंगे। Redmi Note 7 Pro ओपन सेल में क्यों नहीं आ रहा? इसका आंसर तो मनु जैन जी के पास ही है, उन्हीं से पूछना पड़ेगा हमें, मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कब ये फ़ोन ओपन सेल में हमें मिलेगा। क्या Realme C2 लेना सही होगा? बजट की कोई बात नहीं है, वैल्यू फॉर मनी है क्या प्रोसेसर के हिसाब से? देखो Realme C2 मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको वो 6,000 का मिल रहा है, जो 6,000 वाला वेरिएंट है उस पर आपको मिल रही है 2GB रैम 16GB स्टोरेज, 16GB में से आपको हार्डली 7-8GB फ्री देखने को मिलेगी, वो आपको यूज़ करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। और अगर आप Realme C2 का हायर वेरियंट लेते हो जिसमें आपको 3GB रैम मिल रही है तो वो आपको मिल रहा है 8,000 में, उससे बेटर आप 9,000 में ले लो Realme 3, जो कि बेटर ऑप्शन है Realme C2 के कंपैरिजन में। सर मैं कंफ्यूज हूँ, हमें फ़ोन बाय करना है, मैं सोशल ऐप और टिकटॉक वीडियो शूट करता हूँ, 15,000 में आपको फ़ोन चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा Realme 3 Pro, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा अच्छा है, वीडियो शूट आप अच्छे से कर पाओगे उसके साथ। Redmi Note 7 Pro का नेटवर्क इशू ठीक हुआ या नहीं? अब तक वैसे ही है। और क्या इसका 6GB रैम वाला वेरियंट लेना ठीक होगा? नहीं यार, इसको आप मत लीजिए, थोड़ा सा वेट करो, आपको इससे बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा उसी प्राइस रेंज में। भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। वन प्लस 7 लिया जाए या फिर कोई सैमसंग मोबाइल इस रेंज में,
मुझे पॉपअप या स्लाइडिंग कैमरे वाले मोबाइल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म मोबाइल यूज़ करता हूँ और स्लाइडिंग और पॉपअप कैमरा कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं। आपका क्या कहना है? देखो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब काफ़ी टाइम पहले आया था वीवो नेक्स, अब तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि कुछ लोगों का स्लाइडिंग कैमरा ख़राब हुआ हो, पॉपअप कैमरा ख़राब हुआ हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप रेडमी K20 प्रो के साथ जा सकते हैं, या फिर वन प्लस 7 भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ये ले सकते हैं। भाई, अगर रेडमी नोट 7 डिसकंटिन्यूड हो जाएगा तो क्या उसमें एंड्रॉयड अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, जब तक उन्होंने प्रॉमिस किया है तब तक आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरा क्वेश्चन स्किप मत करना, बिकॉज ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। ओवेंस DT2425 एंड HT101, इनमें से किसकी साउंड में वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रेवल क्लैरिटी ज़्यादा सुपीरियर है? दोनों में से लाउडनेस किस सिस्टम की ज़्यादा है? देखो, अगर मैं लाउडनेस की बात करता हूँ तो वो आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है ओबेज DT2425 में। और अगर आपको चीज़, जैसे आपने कहा, इंस्ट्रूमेंट वोकल ट्रेवल सब कुछ सुपीरियर हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक अवंतीज आता है ओबेज का, अवंतीज, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वो आप परचेज कर सकते हैं। हालांकि लाउडनेस उसकी उतनी नहीं है जितनी कि 2425 की, लेकिन साउंड क्वालिटी उसकी ज़बरदस्त है। HT101 से काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी उसकी आपको मिलती है। ओवेज 29 करके है, आप अमेजोन पर देख सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, ऊपर आपको लिंक दे दूंगा कार्ड में, तो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट फ्लिपकार्ट में कब बिग बिलियन डेज आने वाले हैं? मुझे 50,000 के अंदर लैपटॉप लेना है, सजेस्ट मी गुड लैपटॉप, मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन बेस्ट लैपटॉप। देखो, लैपटॉप की हमारी वीडियो ऑलरेडी रेडी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तो जहाँ तक सेल की बात है, अब जो आपको बड़े वाली सेल देखने को मिलेगी वो मिलेगी अगस्त में, अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सेल आने वाली है। आज की डेट में ब्रांड न्यू आईफोन 6 लेना चाहिए या फिर सेकंड हैंड 7S? देखो, अगर आपको आईफोन 7S मिल रहा है अच्छी कंडीशन का, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा आईफोन 6 के कंपैरिजन में। विच वन इज़ बेटर प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 712 या मिरेटेक लियो P80? P80 को लेकर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिलहाल तो मैं 712 के साथ ही जाऊँगा। बेस्ट DSLR अंडर 35,000, कैनन का 200D। अनुज भाई, विशाल आपके दोस्त हैं, उनको 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया वीडियो अपलोड किए, क्यों नहीं वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं? मैं बात करके बताऊंगा आपको। रेडमी नोट 7 प्रो का वीडियो लैग कब तक ठीक हो पाएगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब तक शाओमी ने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया? आप प्लीज़ ट्वीट करो शाओमी को इसको लेकर, मैं भी कुछ करने की ट्राई करता हूँ। अनुज भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। वीवो Z5X कब तक आएगा, या फिर मैं सैमसंग A60 ले लूँ? वीवो Z5X आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएगा इंडिया में, या इसी मंथ की एंड में भी वो आपको देखने को मिल सकता है। तो जहाँ तक A60 की बात है, तो A60 फिलहाल चाइना में है, इंडिया में वो लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया में आपको M40 देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम A60 की तरह ही है, वो आप परचेज कर सकते हैं। क्या हमें आपके साथ कोलैब करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। भाई, टेलीफोटो जूम लेंस किस फ़ोन में है 15,000 की रेंज में? इस रेंज में आपको कोई भी नहीं दे रहा। भाई, मुझे A50 लेना है, सही रहेगा या वेट करूँ? सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी चाहिए। अगर आपको सुपर एमोलेड चाहिए तो A50 आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा वो फ़ोन है। वीवो Z5X अनबॉक्स करो, बिल्कुल आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी, थोड़ा सा वेट कर लो बस आप। इन्फिनिक्स की अपडेट दो, इन्फिनिक्स का नोट 7 प्रो आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 6GB की रैम मिलेगी 10,000 की रेंज में। भाई, आप ये बताओ कि सैमसंग पे ज़्यादा ट्रस्ट है या अदर ब्रांड्स पे? देखो, आजकल सभी ब्रांड्स अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ट्रस्ट वाली। भाई, मैं रियलमी X लूँ या सैमसंग गलेक्सी M40 लूँ या फिर रेडमी K20 प्रो लूँ? रेडमी K20 प्रो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन सब के कंपैरिजन में। मुझे एक बेस्ट लैपटॉप सजेस्ट करो 60,000 की रेंज में। मैकबुक एयर आप ले लो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा, आपको यूज़ करने का मज़ा आ जाएगा मैकबुक एयर। अगर आपका हैवी यूज़ नहीं है तो, अगर आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना है तब वो आपके लिए नहीं है। मेरा पहला सवाल कि आप जिस किसी का भी सवाल पिक करते हो उसका नाम लिया करो। देखो, अगर मैं सबका नाम लूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको बताया मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पिक करता हूँ, तो ऐसे में सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जो भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ उन क्वेश्चंस को। और आपने पूछा है कि नोकिया X71 इंडिया क्यों लॉन्च नहीं किया गया? इसका आंसर तो नोकिया के पास ही है। काफ़ी लीक्स तो आ रहे थे कि ये फ़ोन इंडिया में आने वाला है, लेकिन नहीं आया। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, क्या पता हमें कुछ टाइम तक देखने को मिल जाए नोकिया X71 इंडिया में। सर, मुझे 15,000 तक कोई मोबाइल लेना है, कौन सा लूँ? फिलहाल आप रेडमी नोट 7 प्रो ले सकते हैं। सर, मुझे 15,000 तक फ़ोन लेना है, कौन सा लूँ? अगला आपको क्वेश्चन भी यही है कि 15,000 तक फ़ोन लेना है, कौन सा लिया जाए? क्या सैमसंग UI में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है? मैंने ये चेक नहीं किया, मैं चेक करके आपको बताऊँगा। ये सैमसंग M40 की अनबॉक्सिंग कब होगी? बहुत ही जल्दी होगी, 11 जून को अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी, और साथ में सरप्राइज़ भी आने वाले आपके लिए।
ओनली प्रोसेसर फोकस बजट फोन क्यों नहीं बनाते हैं? आजकल सब फोकस कर रहे हैं रियर में ट्रिपल कैमरा और बड़ी बैटरी, प्रोसेसर पे फोकस बहुत ही कम किया जा रहा है, हर जगह पर चिपकाया जा रहा है या तो मिरर के लिए A22 या तो P22। सैमसंग A60 या M40 कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा? देखो A60 फिलहाल आपको इंडिया में मिल नहीं रहा, M40 आपको मिलने वाला है इंडिया में, तो वही बेस्ट रहेगा। बाकी इनमें क्या फ़र्क है, फ़र्क है भी या नहीं, सब आपको बताऊँगा मैं आने वाली वीडियोज़ में। रियलमी X का सेल्फी कैमरा में सोनी IMX का कौन सा सेंसर है? जो सेंसर आपको मिलता है OnePlus 7 Pro में वही यूज़ किया गया रियलमी X में। क्विक चार्ज 4 कब तक आएगा? इसको लेकर भी अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सैमसंग A50 वर्सेस रियलमी 3 प्रो कौन सा जल्दी हीट होता है? जल्दी हीट होता है रियलमी 3 प्रो। क्या ये सच है कि सैमसंग M40 A60 है और उसमें एमोलेड पैनल नहीं है? अभी मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता इसके बारे में, 11 जून तक आप वेट कर लो, सब बताऊँगा आपको। रेडमी K20 और रियलमी X में कौन सा ठीक रहेगा, किस प्राइस पे आएगा? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ 18,000 की रेंज में आएगा और दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा वो हम देखेंगे टेस्ट करने के बाद। UFS 2.1 और UFS 3 स्टोरेज टाइप स्पीड में डिफरेंस क्या है? क्या डे टू डे लाइफ में पता चलेगा? नहीं, आपको डे टू डे लाइफ में कुछ भी पता नहीं चलने वाला, दोनों ही स्टोरेज काफ़ी फास्ट हैं। हेलो भाई, मेरा सिंपल से 3 क्वेश्चन हैं। विच मोबाइल विल बी बेटर अंडर 20,000? सैमसंग गैलेक्सी M40 और Redmi K20? Redmi K20। विच प्रोसेसर इज बेस्ट? Kirin 980 और Snapdragon 855। क्या Realme 3 Pro के हीटिंग इशू सॉल्व हुए? अभी तक तो नहीं हुए। Realme की रीसेलिंग वैल्यू क्यों बहुत कम है? इट्स लाइक ओनली 40%। देखो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, Realme की रीसेल वैल्यू अभी काफ़ी कम है। इसका रीज़न यही है कि अभी फिलहाल लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते Realme पे जितना कि वो करते हैं Redmi और Samsung जैसे स्मार्टफोन्स पे, इसलिए इसकी रीसेल वैल्यू फिलहाल कम है, थोड़ा सा अभी इसको टाइम लगेगा। LG मोबाइल की हार्डवेयर कैसी होती है? काफ़ी अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े ओवर प्राइस होते हैं LG के स्मार्टफोन, इस चक्कर में वो ज़्यादा अच्छा इंडिया में काम नहीं कर पा रहे हैं। एंड सॉफ्टवेयर कैसा है, लाइक MIUI की तरह स्मूथ है या ColorOS की तरह बकवास है? इनके बीच का सॉफ्टवेयर है, ना ही उतना स्मूथ है ना ही बकवास है। सर Mi Band 4 कब इंडिया में आएगा? When will K20 Pro will come in India? मुझे लगता है जब K20 और K20 Pro का इवेंट किया जाएगा इंडिया में, वहीं पर Mi Band 4 को भी लॉन्च कर दिया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट मंथ मतलब जुलाई में। मेरा बजट 15,000 है तो मैं सैमसंग M40 का वेट करूं या रियलमी X का? अगर आपको मुझे 15,000 है तो 15,000 में दोनों ही फ़ोन आपको नहीं मिलने वाले हैं। सैमसंग M40 आएगा 18,000 की रेंज में और रियलमी X भी उसी रेंज में आपको मिलेगा। अगर आपको 15,000 का ही लेना है तो आपको चाइना से मंगवाना पड़ेगा रियलमी X, जो कि आपको 15,000 की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के हाथ मंगवाते हैं तो, अगर आप ऑनलाइन मंगवाएंगे तो आपको काफ़ी कस्टम भी देना पड़ेगा उसके लिए। फिर रेडमी नोट 5 बेचकर नोट 7S लिया है, कोई गलती तो नहीं की? कोई गलती नहीं की आपने, काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है। ड्यूरेबल फ़ोन है क्या? बिल्कुल ड्यूरेबल है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर नोट 7S हीट हो रहा है और हीट होते ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ये दिक्कत मेरे फ़ोन में है या सभी के फ़ोन में है? देखो मैंने तो ऐसे कोई दिक्कत फेस नहीं की, आप बताओ कमेंट्स में कि आप भी कोई ऐसी दिक्कत फेस कर रहे हो नोट 7S में। बाकी आप एक बार फ़ोन को रीसेट कर लो, फिर देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है, या आपको अपडेट का वेट करना पड़ेगा। आप मेरा क्वेश्चन कभी नहीं लेते, लो जी आज ले लिया आपका क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज S10 Plus इज गुड फोन और नॉट? S10 Plus बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बस उसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, उतना वो अच्छे से काम नहीं करता, बस ये एक कमी लगी मुझे उस फ़ोन में। M40 या फिर K20 गिवे रिजल्ट अनाउंस होगा या नहीं? मैं एक बार तो अनाउंस कर चुका हूँ गिवे रिजल्ट, हालांकि अभी मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट नहीं किया रिजल्ट को, एक वीडियो में मैंने अनाउंस किया था, ऊपर आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, वो भी आप देख सकते हैं, और जल्दी मैं कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर लूँगा सारे रिजल्ट गिव अवे के। रेडमी नोट 7 प्रो रियलमी X कौन सा बेटर रहेगा? रियलमी X। सर Mi Max 4 लेना है, ये कब आएगा इसके बारे में कोई एक वीडियो बनाओ। देखो Mi Max Pro कब आएगा इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही कुछ पता चलेगा मुझे मैं आपको बताऊँगा। मुझे एक फ़ोन लेना है अंडर 20,000 जिसके दोनों कैमरे बेस्ट हों, स्टाइलिश हो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, प्रोसेसर अच्छा हो। देखो अभिषेक जी आपके लिए बेस्ट है रेडमी K20, वेट कर लो उसका। सर आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा अर्निंग जैसे कि पार्ट टाइम जॉब्स या घर पर बैठ के लैपटॉप से कुछ वर्क करके मनी अर्न कर सकूँ, ऐसी कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। मैं ट्राई करूँगा, अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है तो मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए। लैपटॉप और टैबलेट विच वन इज़ बेटर फॉर कॉलेज स्टूडेंट? मैं आपको लैपटॉप रिकमेंड करूँगा। गुड आफ्टरनून सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या S10e वर्थ है खरीदने के लिए? देखो जो S10e है वो मैं ये कहूँगा इस साल का सबसे अंडररेटेड स्मार्टफोन है,
ये स्मार्टफोन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे समझ नहीं आया कि इस फोन की उतनी हाइप क्यों नहीं हुई जितनी इसकी होनी चाहिए थी। आप ये परचेज कर सकते हो, आपको यूज़ करने का मज़ा आ जाएगा। अनुज भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन। एसएस 5G में क्यू अपडेट कब तक मिलेगा? एसएस 5G में क्यू अपडेट का बीटा तो आ गया है, स्टेबल अपडेट आपको कुछ टाइम तक देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल इसको लेकर कोई भी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है। सैमसंग M40 में कितने mAh की बैटरी है? अभी बता नहीं सकता मैं आपको, 11 जून तक आपको वेट करना पड़ेगा। बेस्ट लैपटॉप कौन सा है स्टूडेंट्स के लिए? 45,000 की रेंज में माई प्रायोरिटी गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग। मैं वीडियो लाने वाला हूँ लैपटॉप को लेकर, थोड़ा सा वेट कर लो आप उस वीडियो का। सर आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरा सवाल है कि रेडमी K20 Pro अगर Xiaomi इसी नेम के साथ लाता है तो पोको F2 का क्या होगा? मुझे लगता है पोको F2 फिलहाल आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जोलो ईरा 4X कैसा डिवाइस है? भूल जाओ। सर 50,000 तक कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन बेस्ट है? OnePlus 7 Pro आप ले सकते हैं। अनुज भाई 35,000 की रेंज में अच्छी बैटरी वाला फ़ोन सजेस्ट करो। आपको वेट करना चाहिए Acer 6Z का, यहाँ पर आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलती है। Realme U2 कब आएगा? कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन आई अभी इसको लेकर। अगर मैं टाटा स्काई बिंगल को सब्सक्राइब किया और नेक्स्ट मंथ मैं कैंसिल कर दिया तो फायर स्टिक चलेगा क्या? अगर आप फायर स्टिक लेते हो बिंगल ऑफर के साथ तो आपको वो कस्टमाइज वाला फायर स्टिक मिलेगा, उसको अलग से कस्टमाइज किया गया टाटा स्काई के लिए, तो आप वो ऐसे नहीं चला पाओगे उसको। सर सैमसंग M40 वेट कर रहा था तो इसमें 5,000 mAh की बैटरी आना मुश्किल है थोड़ा सा। कौन सी कंपनी का एंड्रॉयड टीवी लेना ठीक रहेगा? आप MI का मी टीवी बॉक्स ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वो, मैं यूज़ कर रहा हूँ वो। सर स्टॉक एंड्रॉयड वर्जिस MIUI 10 विच इज़ गुड रैम मैनेजमेंट? आजकल रैम मैनेजमेंट दोनों की काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले क्या होता था, स्टॉक एंड्रॉयड में हमें अच्छी मिलती थी लेकिन कस्टम MIUI में अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। 13,000 में अच्छा फ़ोन, बैटरी कैमरा परफॉर्मेंस, या तो आप ले लो 14,000 में रेडमी Note 7 Pro या फिर आप ले लो Redmi Note 7S 11,000 में। इंडिया में K20 आएगा या फिर Mi 9? इंडिया में K20 के नाम से ही आएगा। काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। Realme 3 Pro कब मिलेगा भाईजान? मैं अभी तक Redmi 6A यूज़ कर रहा हूँ। देखो आप Realme 3 Pro ले सकते हैं, ईजिली मिल रहा है आप तो, वो ऑफलाइन से भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। भाई मेरे पास 20,000 है, मुझे मोबाइल लेना है, सुपर कैमरा, अच्छी बैटरी और फोटोज़ और वीडियो का मुझे बहुत शौक है। यार Redmi K20 के लिए आप वेट कर लो अगर आपको 20,000 में फ़ोन लेना है तो। अभी आप कोई और फ़ोन ले लोगे फिर आपको लगेगा काश आप वेट कर लेते, तो इससे अच्छा पहले ही आप वेट कर लो। A60 वर्सेस M40, अगर हम A60 चाइना से मंगवाते हैं तो कितने रुपीज़ देना पड़ेगा? आपको चाइना से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है A60, M40 आप परचेज कर लेना, कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। OnePlus 7 Pro 53,000 का लेना ठीक रहेगा? ले सकते हैं, अच्छा फ़ोन है। एक रिव्यू में देखा है कि K20 Pro का कैमरा उतना अच्छा नहीं है। देखो उसमें एक अपडेट आने दो, अभी कैमरा इंप्रूव होगा उसका काफ़ी ज़्यादा अभी के कंपैरिजन में, अपडेट का आप वेट कर लीजिए। ब्रो विच वन इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, Realme 3 Pro या Note 7 Pro? Note 7 Pro मैं आपको रिकमेंड करूँगा। Redmi Note 7 वर्जी Zenfone Max Pro M2, अगर आपकी प्रायोरिटी है रियर कैमरा और लाउड स्पीकर तो आप जा सकते हैं Max Pro M2 के साथ, अदरवाइज Redmi Note 7। भाई आप मेरा क्वेश्चन कभी पिक नहीं करते, लो आज कर लिया। Realme X इंडिया में कब लॉन्च होगा? जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा। भाई मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपका फ़ैन हूँ। सैमसंग M40 का वेट करना चाहिए या फिर Redmi K20 का वेट करना चाहिए? देखो सैमसंग M40 तो आ ही गया, आप K20 का वेट कर लो फिलहाल। जून के मंथ में और कितने फ़ोन आने वाले हैं? एक तो आपने लिखा है Z5X Vivo का, इसका प्राइस 16,000-17,000 की रेंज में रहेगा। और क्या Vivo Z5X का वेट करना चाहिए? वेट कर लो, फ़ोन अच्छा लग रहा है वो मुझे, ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी एक बार फ़ोन आने दो फिर मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा इसके बारे में। आज की डेट में 30,000 से 35,000 में बेस्ट चॉइस, रिकमेंड एटलीस्ट 2 to 3 फोन्स। देखो एक तो आप OnePlus 7 ले सकते हो जो कि आपको 33,000 में मिल रहा है, दूसरा आप वेट कर सकते हो Acer 6Z का जो कि आपको 19 जून को देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको वैसे कहूँगा वेट करना बनता है। OnePlus 6T 28,000 में 8GB 128GB अभी लेना वर्थ है या फिर OnePlus 7 ही सही रहेगा? तो दोनों में बस कैमरे का और प्रोसेसर का फ़र्क है और कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों स्मार्टफोन्स में। दूसरी बात, एक बार आप Acer Zenfone 6 का वेट कर लो, Acer 6Z का, तो वो भी मुझे लगता है बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ आने वाला है, तो क्या पता वो आपको इसी प्राइस पे देखने को मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन वही है, Redmi K20 Realme X कब आएगा, Redmi K20 कब आएगा, किसका वेट करना बनता है, ये मैं आपको आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ सारे क्वेश्चन का। बेस्ट फोन अंडर 10,000 Realme 3 4GB या Redmi Note 7S
Redmi Note 7S बिना किसी डाउट के। MIUI 11 कब तक आएगा और उसमें क्या बड़े फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा जैसे ये आ जाएगा। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। Samsung M40 वर्सेस Samsung A50 विच वन इज बेटर? दोनों ही फ़ोन बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह पे। कुछ बातें उसकी अच्छी हैं, कुछ बातें इसकी अच्छी हैं। फिलहाल अगर मुझे इन दोनों में से कोई फ़ोन लेना होगा तो मैं लूँगा Samsung M40। आपको क्या लगता है, Huawei को Google अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा? देखो, Google Huawei को सपोर्ट तो कर रहा है, कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा आने वाले टाइम में, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। क्या Realme 3 गेमिंग के लिए अच्छा है? 3GB वाला वेरिएंट अच्छा है, गेमिंग में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस होगा आपको। अनुज भाई कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। क्या मोबाइल की रेटिंग देखकर फ़ोन लेना चाहिए? देखो, फ़ोन की रेटिंग देखनी चाहिए लेकिन सिर्फ रेटिंग देखकर फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रेटिंग्स फेक भी होती हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। सुपर एमोलेड वर्सेस HDR10 डिस्प्ले कौन सा बेटर है? इन दोनों में से मैं आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले रिकमेंड करूँगा। 15,000 के राउंड कौन सा फ़ोन लूँ, रेडमी नोट 7 प्रो, रियलमी 3 प्रो या ओप्पो K1? रेडमी नोट 7 प्रो इन तीनों में से। What is benefit of having Infinity O type screen just like in Samsung M40 as compared to normal screen? देखो, आपको bezels बहुत कम मिलते हैं और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ये बेनिफिट है इसका। Acer Zenfone Max Pro M3 कब आएगा? कुछ बताओ भाई, कुछ डिटेल निकालो। देखो, मुझे लगता है अगस्त से पहले ये आपको देखने को नहीं मिलने वाला, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। क्या Realme X Pro आएगा with Snapdragon 855? बिल्कुल उम्मीद तो पूरी है, बाकी देखते हैं। M40 या A50? M40। A50 को दो तीन बार रीसेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही फ़ोन की वीडियो बार बार क्यों बनाते हो? देखो, एक ही फ़ोन की अलग अलग टाइप की वीडियो बनाता हूँ मैं, सेम वीडियो नहीं बनाता। मुझे दो दिन में न्यू फ़ोन लेना है, कौन सा लूँ, रेडमी नोट 7 प्रो या फिर Poco F1? Poco F1 आप ले लो, आपको अच्छी प्राइसिंग पर मिल रहा है वो फ़ोन। तो काफ़ी सारे यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आप, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, अगर ना मिला हो तो बताना मुझे कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।